अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सेल्फ प्लांटिंग। आज का जो प्लांट हम जिस पर बात करेंगे वो है गुलाब। गुलाब की बहुत सारी इकसाम हैं, 500 से ज़ायद इकसाम हैं। और गुलाब का पौधा जो है वो आप देखते ही फ्रेश हो जाते हैं, और इसके फूल में बेपनाह फवायद भी हैं। इसका पौधा जो है हर घर में पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप गुलाब के फूल को देखते हैं तो आपका जहनी दबाव यानी आपका डिप्रेशन जो है वो दूर हो जाता है। आज जो हम बात करेंगे वो इसकी मुख्तलिफ वैरायटी पर बात करेंगे, यानी 5-6 जो वैरायटीज़ इस टाइम मेरे पास मौजूद हैं, मैं वो आपको दिखाऊंगी कि गुलाब के फूलों की कितनी वैरायटीज़ हैं, कलर्स हैं, और इसके अलावा इसको किस तरह से ग्रो किया जाता है। ये लाल रंग का गुलाब है, और देखिए ये एक ही स्टेम पर जो है इसके काफ़ी सारे इस तरह से बर्ड जो हैं वो खिले हुए हैं। कुछ हाइब्रिड भी होते हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ किस किस तरह से होते हैं, इनके कलर्स कैसे होते हैं और किस तरह से ये ग्रो होते हैं। तुम है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऑरेंज कलर का है, और ये भी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये गुच्छों की शक्ल में बेपनहार लगा हुआ है, यानी बंचेस हैं इसकी एक ही स्टेम पर, और ये इसी तरह से लगते हैं फूल इसके एक ही स्टेम पर, काफ़ी सारे जो हैं ये देखिए एक ही स्टेम पर इतने सारे ये फूल खिले हुए हैं। और इनका कलर जो है ऑरेंज है, और कुछ कुछ जो पुराने हो चुके हैं उनका वाइट सिल्वर कलर भी हो चुका है। ये ऑरेंज कलर के हैं, और इनकी पत्तियाँ कुछ मुड़ी हुई हैं, इनकी पैटर्न देखिए मुड़ी हुई है, और ये बेहद खूबसूरत लग रहा है। ये सफ़ेद रंग का फूल है, और ये किस तरह से एक ही यानी अलग अलग टहनी पर उगा हुआ है ये फूल। कुछ पौधे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे होते हैं जिनकी टहनी पर यानी स्टेम पर बंचेस की शक्ल में ग्रो होते हैं फ्लावर, और कुछ जो है स्टेम में अलग अलग से ग्रो होते हैं। ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये वाइट कलर का फ्लावर है, ये पिंक कलर का फ्लावर है, और इसकी जो पेटल्स हैं वो भी इस तरह से सेपरेट यानी ये फुली ब्लूम जो है रोज़ है। और देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर है, ये भी मुख्तलिफ तरह का, देखिए ये इस तरह से ये भी एक एक स्टैम्पर दो दो तीन तीन फूल लगे हुए हैं इसके। का है ये भी फुली ब्लूम है, और थोड़ा थोड़ा पिंक और थोड़ा वाइट कलर का है ये भी इस तरह से, और ये इसकी कली है। इसको मोस्टली कोई इवेंट्स पे भी यूज़ किया जाता है इनकी कलियों को। इसी तरह इनके पत्तों से जो है गुलाब के अर्क तैयार किए जाते हैं, और खानों में भी इस्तेमाल होता है, ब्यूटी क्रीम्स में मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, गुलाब के पौधे की जो एक खासियत मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जितना अच्छा पौधा होगा उसकी निशानी ये है कि उसके पत्ते जो हैं वो इस तरह से हेल्दी होंगे, रेड कलर के होंगे। ठीक है, रेड कलर के इस तरह से हेल्दी पौधा होगा तभी उस पर फ्लावरिंग भी बेतहाशा होगी। ये देखिए कितनी फ्लावरिंग हो चुकी है, अगर इसके पत्तों का साइज़ देखें कितना बड़ा बड़ा साइज़ है, और बहुत ही ये हेल्दी प्लांट है। इसमें मैं तो आपको मशवरा दूंगी कि अगर आपने गुलाब को लगाना है तो रात के अंदर यानी खंगर के अंदर लगाइए, और जो है इसको ऑक्सीजन मिलती है रात के ज़रिए, और गोबर खाद और बालू मिट्टी में भी लगाया जाता है, इस तरह भल वाली मिट्टी में भी इसको ग्रो किया जाता है, इसको सीड के ज़रिए भी ग्रो किया जाता है, और कलम के ज़रिए भी। ये मुख्तलिफ तरीके जो हैं मैं आपको सिखाऊँगी कि हम किस तरह से अपने घर में ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। बस आपने ख्याल रखना है कि इसके पत्तों का साइज़ और कलर बहुत अच्छा हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर दे सके, और आप इसकी बहुत ही इजी केयर है, बहुत ही खूबसूरत है, और जो इंग्लिश रोज़ है उसकी ज़रा इतनी अच्छी खुशबू नहीं होती जितनी कि देसी फूल में होती है, और कुछ फूल जो हैं और 2 फीट से ज़्यादा नहीं होते, और कुछ जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। अब गुलाब में जो है बहुत वैरायटी है, मैंने आपको बताया कि इतनी तादाद है कि मैं आपको सारी तादाद या सारी वैरायटी नहीं दिखा सकती, जो इस टाइम मेरे पास मौजूद थी मैं आपको वो दिखा रही हूँ।
इसकी बेलें भी होती हैं, यानी गुलाब बेल भी होती है जो कि मुख्तलिफ कलर्स में पाई जाती है। और अगर आप इसको कलम से एक दफ़ा ग्रो करते हैं तो इसकी कई कलमें तैयार कर सकते हैं और अपने घर को जो है खूबसूरत बना सकते हैं। ये इस पर इस तरह से देखिए, ये गुच्छों की शक्ल में फूल लगे हुए हैं। इसके अलावा इसकी जो स्टेम है उस पर थॉर्न्स भी होते हैं, यानी कांटे होते हैं या पिक्स होते हैं। पिक्स की खुशबू जो है वो बहुत महसूस करती है, जहनी दबाव को कम करती है। आप इसको देखते हैं तो आपको आपकी आंखें ही जो है वो इतनी खुशनुमा आपको रंग दिखाती हैं और इतना तरोताज़ा कर देती हैं, आपके व्यू को, आपके घर को, खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। इस पौधे पर देखिए, ये इस तरह से जो है ये प्रिक्स होती है, ये प्रिक्स ईजीली टूट जाती हैं, यानी ये इसकी स्टेम से अलग हो जाती है। और जो इसकी स्टेम है वो इस तरह से हेल्दी होनी चाहिए, यानी बहुत मोटी, तभी ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसकी कलम जो है वो बहुत आसानी से आप घर में लगा कर इसकी तादाद बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसको सीड से भी ग्रो किया जाता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम कलम से या सीड से किस तरह से ग्रो करते हैं गुलाब को अपने घर में। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी आपको, और आप इसको किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, और आपके पास किस किस्म की वैरायटी मौजूद है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को नए आने वाले लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मुख्तलिफ इस प्लांट्स के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ और दिखाती हूँ आपको मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।